हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस ऐसे रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ टेंसेस का मतलब होता है टाइम, क्योंकि ये वक्त को ही बताते हैं। कोई भी काम हो रहा है, चाहे वो खाने का, पीने का, हंसने का, रोने का, वो कौन से समय में हो रहा है वो बता देते हैं हमारे टेंसेस। लेकिन क्या ये सिर्फ टाइम ही बताते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है पढ़ाने का। तो आप समझ गए, पढ़ा रही हूँ कोई से वक्त में हो रहा है। तो टेंसेस की रूल्स की मदद से हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे। बात क्लियर हो गया? लेकिन क्या कोई और भी चीज है जो मिसिंग है? जी हाँ, टेंसेस का मतलब सिर्फ टाइम ही नहीं होता। ये हमें बताते हैं वो जो काम हो रहा है वो कितना हुआ है। तो टेंसेस में हम देखेंगे टाइम और वर्ब। इनकी टेंसेस वो रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है और वो कितने समय में कंप्लीट हो रहा है, यानी वो कितना हो रहा है या कितना हो चुका है। कोई भी रूल होगा उसकी मदद से हम ये जान लेंगे कि ये भी जो भी काम हो रहा है वो कितना हो चुका है और वो कौन से समय पे हुआ है। एग्जाम्पल की मदद से इसको हम और समझेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब जो हूँ वर्ड था हिंदी में, हम समझ गए थे कि ये अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है, यानी पढ़ाने का काम चल रहा है। तो दो बातों का हमें पता चला। इन दो बातों को लिखने के लिए हमें टेंसेस की मदद लेनी पड़ेगी। तो अब आप इतना समझेंगे कि टेंसेस का मतलब होता है ऐसे रूल्स ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई भी वर्ब यानी कोई भी क्रिया जो काम हो रहा है वो कौन से वक्त में हो रहा है और वो कितना हो चुका है, उसका स्टेटस। ओके, अब बात करेंगे आगे की टेंसेस। आपके कितने टाइप्स के होते हैं? अब हमें दो चीजों पर फोकस करना है, टाइम और वर्क, है ना? तो टाइम देख लो, वर्क देख लो, उन्हीं से रूल्स बनेंगे। रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, बस अभी जैसे समझा रहे हैं वैसे समझने की कोशिश करिए। तो टाइम कितने तरह का होगा? टाइम तीन तरह का होता है। कौन कौन सा? एक जो बीत गया यानी पास्ट टेंस, भूतकाल या बीता हुआ कल। फिर अभी जो आप जिसमें जी रहे हो उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, यानी अभी में है, अभी जो घट रही है। अब हो गया फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, यानी आगे जो घटना घटेगी या घटने वाली है। अब काम को भी ऐसे डिफाइन करेंगे। काम कितने तरह का हो सकता है? काम क्या सिर्फ चल ही रहा होता है? नहीं, काम तो पूरा भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं काम के
टाइप्स। पहला हम ले लेते हैं कंटिन्यूअस, जो काम लगातार चल रहा है उसे हमने बोल दिया कंटिन्यूअस। ठीक है, जो काम लगातार चल रहा है उसे हमने बोल दिया कंटिन्यूअस। दूसरा टाइप है परफेक्ट, यानी कोई काम परफेक्टली हुआ, कोई कमी नहीं है उस काम में, है ना, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ऐसे बोलते हैं ना, परफेक्ट। और अब है इनडेफिनिट, यानी अनिश्चित, जो पक्का नहीं है, इनडेफिनिट। ओके, फिर है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, अब हम टाइम और वर्क के बेसिस पे टेंस को कैटेगराइज करेंगे। देखते हैं कि टेंसेस कितने टाइप के बनते हैं इन दोनों के मिक्सर से। ओके, तो टाइम कितने तरह का हुआ? एक तो हुआ प्रेजेंट, है ना, एक हमारा है प्रेजेंट, फिर है हमारा पास्ट, उसके बाद है फ्यूचर। ये तो हो गया हमारा टाइम, और वर्क में था इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, फिर है परफेक्ट कंटिन्यूअस। या आप ऐसे भी इसको सजा सकते हैं, जैसे कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, इनडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस के हमारे चार टाइप्स होते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम इन चारों को काम के बेस पे कैटेगरीज किए, ठीक उसी तरह से पास्ट और फ्यूचर का भी कैटेगराइज होगा। बस इतना दिमाग में बैठाना है कि टाइम एंड वर्क, फिर उनको उसी बेसिस पे कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया है ना कि टेंसेस होते क्या हैं और उनके टाइप्स बने कैसे हैं। आपने किसी बुक में ये नहीं पढ़ा होगा कि टेंसेस के जो टाइप्स हैं वो बनते कैसे हैं, तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस कर रहे हैं कि टेंसेस के टाइप्स बने कैसे। ये इम्पोर्टेंट बात थी, है ना। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट को ध्यान से समझते हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट टेंस में है डू, डज, is, am, are, has, have। ये हमें याद रखना है कि जब हमें प्रेजेंट फॉर्म दिखाना होगा तब हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखेंगे। फिर है पास्ट में did, was, were, had, एंड फ्यूचर में will, shall, have। इसके बारे में will, shall, have, इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। अच्छा, इंग्लिश सेंटेंस पढ़ते या बोलते वक्त हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव है तो उसका टाइम तो प्रेजेंट होगा। फिर टाइम अगर डिड, वाज, वेयर, हैड वाली है तो पास्ट होगा, और अगर टाइम विल, शैल है तो फ्यूचर होगा। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल देखिए। देखिए यहां पे एग्जाम्पल है, शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो इसी तरह से काम को कैसे पहचाने कि वो कितना हो चुका है। यहाँ पे टाइम इज प्रेजेंट फॉर्म। देखिए यहाँ पे जो डज है वो है
जो समय बता रहा है वो है प्रेजेंट फॉर्म में, है ना। तो काम का भी रूल है, वो है जो हमारी मेन वर्ब है अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म में होती है। जैसे मान लीजिए गो, तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, तीन फॉर्म्स होती है। जितनी भी एक्शन वर्ब्स होती है ये बात आपको अच्छे से समझना होगा। अच्छा, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो समझ लो कि काम कौन सा है, वो है इनडेफिनिट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा हो, जैसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एग्जांपल देखिए कुछ रीडिंग, टीचिंग, वाचिंग, ऐसे आईएनजी ऐड किया हो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो आप समझ जाएंगे कि काम अब भी चल रहा है, यानी कंटिन्यूअस हुआ। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो तब हमें ये पता लग गया है कि ये टेंस में जो काम हुआ है वह परफेक्ट है, यानी वो पूरा हो चुका है। तो आइए अब इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम अपनी आदतों को बताने के लिए, अपना शेड्यूल बताने के लिए और अपना रूटीन बताने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा पहला रूल है अफर्मेटिव के लिए। तो अब ये अफर्मेटिव क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस हम बोलते हैं जिसमें हम हाँ में बात करते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में हो तो आप लगा देंगे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस लगेगा, फिर अंत में ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए कुछ, यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन भी है, इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी ट्रांसलेशन है। देखिए इंग्लिश सेंटेंसेस देखिए, आई राइट एट वाइट बोर्ड, मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। यू नो हिम, तुम उसे जानते हो। रोहन लिव्स विथ मी, रोहन मेरे साथ रहता है। तो यहाँ अब किसी की आदतें, किसी का शेड्यूल, रूटीन बताने के लिए यूज़ किया गया है। आप न्यूज़पेपर में भी ऐसे सेंटेंसेस पाओगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको आदत है। अब देखते हैं नेगेटिव और नॉन अफर्मेटिव। यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इनके एग्जाम्पल्स देखिए। आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। फिर यू डू नॉट टेक टी, तुम चाय नहीं लेते हो। शी डज नॉट ट्राई, वह कोशिश नहीं करती है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस है नहीं में, है ना। और इसका जो हिंदी में सेंटेंसेस जिससे इसका ख़त्म होता है, जैसे अंत में इसका आ जाता है ती है, ते है, तो है आदि, कैसे पहचानेंगे? इसी तरह से नेगेटिव के साथ इसका जो लास्ट वर्ड होता है वो ती है, ते है, तो है, इससे ख़त्म होता है। फिर देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका आंसर यस या नो में दिया जाए। जैसे यहाँ पे डू और डज
से सेंटेंस स्टार्ट होता है, फिर हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अंत में है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखिए, डू यू प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस पहला है डू, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, क्या तुम, यहाँ भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है ना, प्रश्न का चिन्ह आया है। डू यू लिव देयर, क्या तुम वहाँ रहते हो, डज ही टीच यू, क्या वह तुम्हें पढ़ाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से ही होगी, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान आप कैसे करोगे, जब भी वो सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट होगा तो आप समझ जाओगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका आंसर हम डिटेल में देते हैं। इस सेंटेंस में पहला हमारा आ जाता है WH, फैमिली, यानी WH से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हुम, ऐसे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी। व्हाई डू यू क्राई, देखिए पहला जो सेंटेंस है वो WH से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से, जैसे व्हाई, WH के बाद डू या डज आएगा, फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अंत में आएगा ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू से, वो क्या कहता है, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। इन सभी सेंटेंस में पहला जो वर्ड आएगा वो WH से ही आएगा, यही डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है ना, तो इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर अगला हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इनका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, एम, आर। अफर्मेटिव, तो इसका सेंटेंसेस कैसे स्टार्ट होगा, किस तरह से बनेगा, पहला आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज, एम और आर, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इनके कुछ एग्जांपल्स देखिए, आई एम कमिंग, पहला सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वह एग्जाम की तैयारी कर रही है, हिंदी में इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। यू आर वॉचिंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल देख रहे हो। फिर देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नॉन अफर्मेटिव, हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। तो हिंदी में इसकी पहचान कैसे करेंगे, जब अंत सेंटेंस के अंत में कर रहे हो, जा रही हो, सो रहे हो इत्यादि, इस तरह से सेंटेंस का अंत होगा तब हम पहचान लेंगे कि सेंटेंस नॉन अफर्मेटिव है। पहला आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज, एम, आर, उसके साथ नॉट ऐड होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल्स देखिए, आई एम नॉट कमिंग विथ यू, ये है नेगेटिव सेंटेंसेस, तो यहाँ पे एक चीज ऐड हुआ है जो कि है नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर है अंत में लास्ट ऑब्जेक्ट। यू आर नॉट कॉलिंग मी, यहाँ भी वही है नेगेटिव
सेंटेंस इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, तुम मुझे नहीं बुला रहे हो। ही इज डूइंग हीज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरोगेटिव के कुछ सेंटेंसेस। इस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पहचान हम कैसे करेंगे? हिंदी में अगर होगा तो कर रहे हो, जा रही हो, सो रहे हो, अंत में अगर ये सारी वर्ड्स आए तो हम पहचान लेंगे कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और सेंटेंस की शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब के साथ। देखिए आर यू टॉकिंग टू मी, यहाँ पे पहला है हेल्पिंग वर्ब आर, फिर है सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इज शी गोइंग टू हर होम, यहाँ भी इज जो कि है हेल्पिंग वर्ब, उसी से सेंटेंस शुरू हुई है, तो हम इन्हीं सेंटेंस को देख के समझ जाएंगे कि सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में है। आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, तुम अपना बर्थडे मना रहे हो। क्या वो अपने घर जा रही है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, ये सारे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव फॉर्म में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो पहचान हम इसी तरह से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान कुछ एग्जांपल्स के साथ। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहला आ जाएगा हमारा WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING और फिर ऑब्जेक्ट। वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, यहाँ पे WH से पहला वर्ड है वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो। वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सा बुक पढ़ रहे हो। तो सारे सेंटेंसेस में एक तो अंत में एंड में क्वेश्चन मार्क है और स्टार्टिंग में जो वर्ड है वो WH से स्टार्ट हुआ है, तो इसी से हम पहचान लेंगे कि सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। फिर अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे। पहला आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज और हैव, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान दीजिए, अब तक हम देखे हैं फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा मेन वर्ब में, फिर ऑब्जेक्ट। हिंदी में पहचान कैसे करेंगे सेंटेंसेस की, जब सेंटेंसेस का अंत होगा चुका है, चुके हैं, चुके हो, लिया है आदि। ठीक है, और इंग्लिश में इसका सेंटेंसेस देखिए, आई हैव ईटन द फूड, फर्स्ट सब्जेक्ट, देन है हैज और हैव, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर है ऑब्जेक्ट। ईटन इज द मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिए। We have met him there, not meet, met, जो कि है main verb की third form. फिर है he has met you, subject, then has or have, then main verb की third form जो कि है met, फिर है object. फिर हिंदी में इनके sentences देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ, हम उससे मिल चुका हूँ, वह तुमसे मिल चुका है। ठीक, चलिए अगला नेगेटिव अफर्मेटिव, ये क्या होती है हम देखेंगे और समझेंगे भी।
कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। नेगेटिव अफर्मेटिव की सेंटेंसेस की पहचान कैसे करेंगे? पहला होगा सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव, देन ऐड होगा नॉट, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पे नॉट आएगा। विथ एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैव नॉट सीन ताजमहल, सब्जेक्ट देन हैज और हैव देन नॉट देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको, है ना? ही हैज नॉट रीच्ड होम, यहां भी वही है, सब्जेक्ट है, फिर हैज या हैव है, फिर है नॉट यानी नेगेटिव, रीच्ड होम, वह घर नहीं पहुंचा है, मैं ताजमहल नहीं देखा हूं। तो यहाँ पे पूरा जो सेंटेंसेस है वो नेगेटिव फॉर्म में है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। हिंदी में सेंटेंसेस होगा तो इसका पहचान कैसे होगा? वैसे ही चुका हूँ, चुका है, चुके हो, लिया है, लिया था, है ना, लिया हूँ, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। इसमें पता होता है कि काम कब से चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। काम कब से हो रहा है? किसी ना किसी समय से चल रहा होगा, है ना? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। इनकी सेंटेंसेस की पहचान कैसे होगी? पहला आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव बीन, उसके बाद नेगेटिव जैसे नॉट, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम सिंस माने कब से चल रहा है काम, है ना? बहुत पुराना होता है तो हम सिंस का यूज करते हैं, तो सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स की मदद के से आप समझ सकते हैं। देखिए, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। कब से? सिंस मॉर्निंग। वो 2 दिन से कोशिश कर रहा है, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस 2 डेज। सिंस यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट है, फिर हैज और हैव बीन, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर है वक्त यानी टाइम, जैसे सीन्स या कोई भी समय की बात होगी। तुम 1980 साल से दिल्ली में रहे हो, यू हैव बीन लिविंग दिल्ली सिंस 1980। तो सिंस का यूज किया गया यहाँ पे, इसी से हम पहचान लेंगे कि सेंटेंस किस फॉर्म में है। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? तो इन चीजों का आपको रटना नहीं है, अच्छे तरीके से समझ लेना है, है ना? समझना है कि कैसे हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। फिर चलिए देखते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, कोई भी हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर,
अब समझेंगे आप एग्जाम्पल की मदद से कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस है ये, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके बेटे बेटा सॉरी आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। तो यहाँ पे एक तो सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज या हैव बीन आ गया, फिर आ गया नेगेटिव जो है कि नॉट का यूज हुआ है, फिर मेन वर्ब तो है ही उसका थर्ड फॉर्म, और साथ में ऑब्जेक्ट भी है और फॉर भी है। अगला सेंटेंस देखिए, ही हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग। वह शाम से अपना पाठ याद नहीं कर रही है। तो यहाँ भी वही है, पहला सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव बीन, फिर नेगेटिव नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस या फॉर का यूज हुआ है। यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान जरूर रखना है। आप रटने से आपको याद नहीं रहेगा, आज आप रटोगे लेकिन भविष्य में आपको ये याद नहीं रहेगा, हमेशा ही कंफ्यूज में रहोगे। तो अच्छे से रूल्स को फॉलो कीजिए, अच्छे से रूल्स को दिमाग में बैठा लीजिए कि क्यों हो रहा है, क्या है, कैसे हो रहा है। रूल्स आप ध्यान रखोगे तो सेंटेंस आपको आसानी से आ जाएगा, सेंटेंस बना सकते हो आसानी से, ठीक है। जब भी आप बोलो या लिखो, प्रोनाउंस करो, कम्युनिकेट करो किसी के साथ, तो आप आसानी से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। हाँ, तभी जब आप रूल्स अच्छे से दिमाग में बैठा लोगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो, आज का लेसन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।